अरे यार, मेरा टॉर्च नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? अरे ये मेरा टॉर्च तो इसमें लगा दिया इसने। अरे ये टॉर्च नहीं है, टॉर्च नहीं है, तो एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है। ये मेरा टॉर्च तुम लगा दे तो नहीं, एक्सपेरिमेंट है। अरे बहुत ही गजब का एक्सपेरिमेंट आज हम लोग किए हैं। चलो देखते हैं कैसा ये काम करता है। खाओ कि ये क्या देखो, ये ये जो टॉर्च है ना, इस टॉर्च से आज म्यूजिक ट्रांसफर होगा, ऑडियो ट्रांसफर, और क्या। हाँ भाई, क्या बना रहे यार, टॉर्च से ऑडियो ट्रांसफर दिखाओ, होगा। चलिए दिखाओ देखते कैसे हैं होता इसका है कैसे ट्रांसफर हो। एक बार जो है डेमो देखते हैं इसका। इसको देखो, पहले ऐसे ऑन कर देंगे हम लोग। ऑन हुआ, हाँ, टॉर्च तो जल रहा है। और ये क्या है? ये तो मोबाइल में डालने वाला प्लग इन हाँ, है। मोबाइल में प्लग इन करेंगे इसको। चलिए प्लग इन करते हैं। प्लग इन हो गया। और ये क्या चीज है? ये सोलर पैनल लग रहा है मुझे। हाँ, तो सोलर पैनल क्या होगा कि स्टार्स की जो लाइट है वो सोलर पैनल पे रिसीव होगी, तो सोलर पैनल पे रिसीव हो जाएगी लाइट। हाँ तो ठीक चलिए, है। और क्या होगा कि मोबाइल से जो है कनेक्ट किया हूँ स्टार्च को, जिस प्रकार से गाना बजेगा उसी प्रकार से टार्च उसी फ्रीक्वेंसी में, क्या बताओ क्या? लप लुप करे यार। हाँ, वैसा ही चलेगा। तो ओके देखो, चलो एक बार गाना बजा के देखते हैं। देखो बज भाई, गया भाई। ब्लूटूथ तुमने ब्लूटूथ कहाँ लगाया। लगा? तुम ये देखो, देखो ब्लूटूथ है, ओ भाई, क्या बना रहे हो ब्लूटूथ यार। है। देखो कितना डिस्टेंस से पकड़ रहा है, पहले ये देखो तुम। वाह भाई वाह, क्या बना दियो भाई। अब बताओ बनाते कैसे इसको। टार्च खराब हुआ क्या? नहीं भाई, नहीं हाँ, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से इस लाइट से इस सोलर में ऑडियो ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। से पार्ट से समझाना चालू करें। ये है ट्रांसमीटर पार्ट, ये है रिसीवर पार्ट। बताओ ट्रांसमीटर साइड से बताओ पहले हमें। अच्छा, ट्रांसमीटर साइड। ट्रांसमीटर साइड में ये तो पता ही चल गया कि एक लाइट लगेगा। कौन सी लाइट? फोकस वाली लाइट। ठीक। अच्छा, फोकस वाली लाइट लग गया। अब चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखो ये इसमें क्या 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 लगा है। ये है, यही तो है मेन पार्ट, एम्पलीफाई का काम करेगा। ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। अच्छा, एम्पलीफायर क्या करता है? जब हम किसी भी जैक से किसी भी मोबाइल से प्लग इन करते हैं तो जो है किसी साउंड में तेज होकर वो बजता है। ठीक। तो जहां पे हम लोग साउंड कनेक्ट करते हैं ना, उसी सेम जगह पे अब इस लाइट को कनेक्ट करेंगे। तो लाइट उसी फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में साउंड बजता है उसी सेम फ्रीक्वेंसी में लाइट लप लुप करेगा। तो फिर क्या होगा, वही सेम फ्रीक्वेंसी आकर के इस सोलर जो रिसीवर पार्ट है यहाँ पे रिसीव होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ट्रांजिस्टर है जो एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। उसके बाद इसमें देख सकते हैं एक बैटरी यूज हुआ है। बैटरी क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम लोग जो ट्रांजिस्टर है एम्पलीफायर, उस एम्पलीफायर को पावर देने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कनेक्टर है और बल्ब है जो चार्जिंग बल्ब है। चार्जिंग को हम लोग चार्जिंग पिन को यहाँ से कनेक्ट करेंगे ताकि बैटरी मेरी चार्ज हो सके। स्विच की जगह पे मैं एक जुगाड़ लगाया, वायर निकाल दिया हूँ। तो इस वायर को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये मेरा लाइट जलने लगता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना गजब का ये जो है फोकस वाली लाइट है। अच्छा, इसमें एक चीज की कमी लग रही है, तुमको समझ में आ रहा है क्या कमी लग रही है? एक चीज की कमी लग रही है। अगर ये लाइट और हाँ अच्छे से फोकस होता हाँ तो और अच्छे से जलता। हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कोई लेंस लगा देते हैं जिसकी वजह से ये और अच्छे से फोकस होता, तो इसका फोकस अच्छे से रिसीव होता तो और अच्छा वहां पे, और काफी डिस्टेंस तक, काफी डिस्टेंस तक जो हम लोग इतना दूरी तक अभी एम्पलीफाई कर पा रहे थे, काफी ज्यादा डिस्टेंस तक ये हो पाता। अब ये कौन सा पार्ट? ये हमारे रिसीवर साइड। अब ये समझा दीजिए क्या है इसमें। हाँ अच्छा, ये सोलर है। हाँ। सोलर पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है? तो कुछ वोल्टेज जनरेट करता हाँ। है। जब ट्रांसमीटर से लाइट जो है इस सोलर पे पड़ेगी तो सोलर क्या करेगा? वोल्टेज जनरेट वोल्टेज करेगा, देगा। थोड़ा सा वोल्टेज। और किस फ्रीक्वेंसी में जनरेट करेगा? जिस फ्रीक्वेंसी में हमारा म्यूजिक चल रहा होगा। हाँ, दूसरी फ्रीक्वेंसी में सोलर रिसीव करेगा, रिसीव करेगा, वोल्टेज जनरेट करेगा। और उस वोल्टेज को मैंने एक क्या लगाया हूँ बताओ यहाँ पे? ये भी आउटपुट जैक लग गया है। हाँ, यहाँ से जो मोबाइल में हम लोग प्लग इन करते हैं वो प्लग इन ला करके मैंने एक प्री एम्पलीफाइड एम्पलीफायर है जिसमें पहले से एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग दूसरा भी एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें एम्पलीफायर बनाए हम लोग वैसे एक और एम्पलीफायर बना लेते, फिर उसमें साउंड लगा देते, इसको ले जाकर कनेक्ट करके अपना काम कर सकते थे। लेकिन मेरे पास ये थी सुविधा तो मैं क्यों बनाऊं दोबारा। ठीक। हाँ, तो इसमें जो है मैंने प्लग इन कर दिया और यहाँ से रिसीव होगा सेम फ्रिक्वेंसी में, ये चला गया इसमें प्लग इन और अपना ये रिसीव करके गाना बजा रहा है। तो समझ में आया? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके समझे कैसे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसे, मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा रहा, और मे बी मैं आगे चल के
अभी आप लोग ऑडियो ट्रांसफर जो है देख रहे हैं, मैं आगे चल के इसको आगे अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा कि जो है इस जिस प्रकार से ऑडियो ट्रांसफर हो रहा है, तो आप लोग कभी भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, काफी चीज मोबाइल ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं, वाईफाई से ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग ऐसा बनाएंगे कि इस लाइट से इंस्टेंट जो है, जैसे ही लाइट आपके रिसीवर पे पड़ेगी तुरंत जो है कोई भी फाइल होगा वो रिसीव कर लेगा, तो कितनी अच्छी बात हो जाए। और स्पीड की लाइट तो पता ही है कितना होती है, स्पीड की लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ, तो देखिए स्पीड की लाइट पता है, तो स्पीड की लाइट से ट्रांसफर होगा तो कितनी गजब की बात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड बने रहिए मेरे इस चैनल इलेक्ट्रो बॉयज एक्सपेरिमेंट पे।